हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग है, लेकिन मैं आज ब्रेकफास्ट बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि हस्बैंड को बहुत ही जल्दी है। उनको बहुत जल्दी से ऑफिस जाना पड़ेगा और उसका लंच बॉक्स मेरे को पैक करना पड़ेगा। तो लंच बॉक्स में क्या दिया जाए जो जल्दी जल्दी बने, हेल्दी बने, टेस्टी बने, क्योंकि लंच में खाएगा थोड़ा बहुत टेस्टी तो होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए ना। तो आज मैं क्या बनाऊंगी, तो सोच रही हूँ आज राइस का एक प्रिपरेशन बनाऊंगी। तो राइस का क्या बनाया जा सकता है जो खुद ही एक प्रिपरेशन है, खुद ही एक डिश है, उसके साथ कुछ जरूरत नहीं है। तो मटर पनीर तो हम सभी ने ट्राई किए हैं, लेकिन आज मैं मटर पनीर बनाने वाली नहीं हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर पुलाव। ये एक ऐसा रेसिपी है ना जो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फायदेमंद है। वो वर्किंग पीपल हो या फिर स्कूल जाने वाली बच्चे हो, दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा है। और तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर पुलाव, और ये ना बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये मैं एकदम बोल रही हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैं जब बनाती हूँ मेरा तो बस 10 मिनट लगता है। तो प्लीज एक बार ट्राई कीजिए और ये इतना टेस्टी बनेगा ना, इसके साथ अगर आप कुछ भी नहीं बनाओगे तो भी ये टेस्टी बनेगा। तो प्लीज एक बार ट्राई कीजिए मेरा ये रेसिपी, और कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं मटर पनीर पुलाव, लेट्स बिगिन। तो मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए मैंने इधर पे लिया है पनीर, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। मटर को मैंने छील कर तैयार कर लिया। इसके साथ ही साथ चाहिए शाही जीरा, और मैंने लिया है इलायची, लौंग, दालचीनी और एक बड़ी इलायची। और इसके साथ ही साथ हम लोगों को चाहिए घी, अमूल काकाओ घी मैंने इधर पे यूज़ कर रही हूँ। और राइस को मैंने धोकर तैयार कर लिया, तो अभी राइस प्रिपेयर कर लेते हैं। राइस बनाने के लिए मैंने एक कुकर चढ़ा दिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी। अभी मैं खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। तो अभी मैं डाल रही हूँ लौंग, इलायची, दालचीनी एंड बड़ी इलायची, और अभी मैं ऐड कर दूंगी मटर। मटर को भी इस स्टेज में ही मैं ऐड कर दूंगी, तो थोड़ा सा मैशी हो जाता है, वो अच्छा लगता है खाने में। तो मटर भी मेरा ऐड हो गया, और इसके साथ ही साथ मैं ऐड कर दूंगी राइस। और इसको अभी ढक्कन लगा देंगे। तो देख लीजिए राइस हमारा रेडी है, अभी ये नेक्स्ट स्टेप। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट में क्या करते हैं। तो मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ घी 2 टेबल स्पून। घी को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, ऐसे फैला दीजिए, थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। घी हमारा गर्म हो गया, अभी मैं ऐड कर दूंगी पनीर के टुकड़े। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो पनीर हमारा फ्राई हो गया, अभी मैं ऐड कर दूंगी शाही जीरा। शाही जीरा का जो एक स्मेल होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है ये मटर पनीर पुलाव में। देख लीजिए पनीर में रेडिश रेडिश कलर आ गया ऐसे। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ राइस। और एक बात, मैंने इधर से वो खड़े मसाले सब अलग कर दिया, क्योंकि वो मुंह में आने से ख़राब लगता है, तो इसलिए मैं उन लोगों को अलग कर दिया।
तो सारे के सारे राइस को मैंने ऐड कर दिया अभी ऐसे, घी पनीर और ये राइस मिला देना है। और देखना शाही जीरा से एक हल्का सा योलिश योलिश कलर आएगा ऐसे। मिला लेना है घी और शाही जीरा से एक अच्छा खुशबू आता है, उससे तो मुंह में पानी आ जाता है। तो हमारा मटर पनीर पुलाव अभी रेडी है सर्व होने के लिए। चलो सर्व कर देते हैं। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और सर्व कर देती हूँ। मटर पनीर पुलाव आज मैं मेरे हस्बैंड को लंच में देने वाली हूँ, तो इसलिए मैं लंच बॉक्स में ही पैक कर रही हूँ। तो मेरा मटर पनीर पुलाव अभी रेडी है। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के लिए। तो और नीचे बेल बटन को भी दबा देना, जैसे कि मैं नई कोई अपडेट दूंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।